अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं जी आपका नाम और पता जी मैं अरुण पाठक हूं संस्थापक विश्व हिंदू सेना अरुण जी एक रिवार्ड आपने घोषित किया है क्या है क्या कारण पड़ गया किस लिए आपने वो रिवार्ड? घोषित जी मैं दुखी हूं एक चैनल पे सुबह मैंने देखा कि एक लड़की छोटी सी बच्ची संसद भवन के सामने एक तख तख्ती लेके बैठी हुई थी और उस तख्ती पे लिखा था कि अपने घर में ही हम सुरक्षित क्यों नहीं हैं और जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उसको उठाया घसीटते हुए गाड़ी में डाला थाने में ले जा उसको नाखूनों से नोचा गया मारा पीटा गया मैं इससे बहुत दुखी हूँ और हमारे बहनों का बलात्कार हर पंद्रह मिनट पर भारतवर्ष में हो रहा है ये बढ़ते ही जा रहा है जिस तरह से निर्भया हत्याकांड के दोषियों को अभी तक रख के पाला जा रहा है जेलों में और न्यायालय में उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं इससे इन बलात्कारियों का मन बढ़ गया है और हमारे तमाम सरकारी दफ्तरों में लिखा जाता है अहिंसा परमो धर्म तो अब हमारी बहनों का बलात्कार होगा तो हम उसके आगे की लाइन बताते हैं कि धर्म हिंसा तथा ऊँचा जिन लोगों ने जिन बलात्कारियों ने हमारी बहन के साथ प्रियंका रेड्डी के साथ इस प्रकार का हरकत किया है उन चारों के गुप्तांगों को जो काटेगा विश्व हिंदू सेना के लोग दस दस लाख रुपया एक एक व्यक्ति पर इनाम देंगे ऐसा मैंने घोषणा किया है और ये मेरा आक्रोश है और ये जायज भी है ऐसा होना चाहिए तभी बलात्कार रुकेगा वो पैसे मैं अपनी संपत्ति बेचूंगा अपने प्रॉपर्टी को बेचूंगा कम पड़ेगा तो विश्व हिंदू सेना के लोग सक्षम है उसके कार्यकर्ता सक्षम है देने में सरकार से क्या मांग करते हैं बस सरकार से हम यही मांग करना चाहते हैं कि दिल्ली पुलिस के लोगों ने जो हमारी बेटी के साथ आज बरबत्ता किया है तत्काल ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई किया जाए और बलात्कारियों का ऐसा हस्र कर दे सरकार शासन और प्रशासन और न्यायालय कि हमारे जैसे लोगों को आगे आके दस दस लाख का इनाम न रखना पड़े नहीं तो अगर कठोर कार्रवाई नहीं होगी तो जितने भी बलात्कारी हैं हिंदुस्तान के अंदर उनको ढूंढ़ ढूंढ के विश्व हिंदू सेना के लोग नपुंसक बनाने का काम करेंगे